हेलो गाइस, एज यू नो आई एम निधि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपरस्टार ब्यूटी हेल्थ टिप्स। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक लिप्स के बारे में। फ्रेंड, ब्लैक लिप्स जो है देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और ब्लैक लिप्स से मतलब लड़कियां ही नहीं लड़के भी बहुत परेशान रहते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जान लेते हैं ब्लैक लिप्स होने के रीजंस। आप बहुत ज़्यादा लिपस्टिक यूज़ करती हैं, लेकिन आप लोकल ब्रांड की लिपस्टिक यूज़ करती हैं, तो लोकल ब्रांड की लिपस्टिक में उल्टे सीधे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी जो स्किन होती है उसको डैमेज करते हैं, जिससे भी आपके लिप्स जो है काले पड़ जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पीती हैं वो एकदम गर्म गर्म पीते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर आप अपने लिप्स की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। एक्स वाई जेड ऐसे काफ़ी रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो लिप्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। फ्रेंड, ये तो हुई रीजंस, लेकिन सॉल्यूशन भी तो हर चीज़ का होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा DIY लिप बाम बताऊंगी जो आप 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे जो आपकी किचन में आसानी से अवेलेबल होंगे, और उनकी मदद से आप जो है वो DIY लिप बाम बनाती हैं। तो आप उसे पूरे दिन में 1 से 2 बार यूज़ करती हैं तो 7 से 15 दिन के अंदर ही आपके जो ब्लैक लिप्स की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, और आपके जो लिप्स हैं वो काफ़ी पिंक, स्मूथ और सॉफ्टी हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड, इसके लिए मैंने ली है एक बीटरूट यानी कि चुकंदर। आपको इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद आपको इसका जूस चलनी की मदद से निकाल लेना है। फ्रेंड, चुकंदर एक नेचुरल स्टेन की तरह काम करता है। ये हमारे लिप्स के अंदर जितनी भी डिस्क्लेरेशन होगी उसको बाहर करेगी और आपके लिप्स को पिंक एंड स्मूथ बनाने में आपकी मदद करेगी। एंड फ्रेंड, अब हमें इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल। फ्रेंड, कोकोनट ऑयल के अंदर SPF 3 होता है। ये हमारे मॉइस्चर को लॉक करता है एंड हमारे लिप्स को क्रैक होने से बचाता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन E का कैप्सूल। फ्रेंड्स, विटामिन E कैप्सूल स्किन, हेयर एंड लिप्स को भी अच्छे से केयर करने में हमारी मदद करता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। इसमें हमको हल्की सी क्वांटिटी गुलाब जल की भी मिक्स करनी है। गुलाब जल के अंदर काफ़ी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके लिप्स को कूल रखने में आपकी मदद करेंगी। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेना है और आपका जो लिप बाम है ये बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैंने यहाँ पे खाली कंटेनर लिया हुआ है। आप कोई भी ऐसी खाली कंटेनर लेके उसको इसमें ऐड कर दीजिए, और अब आपको इसको 30 मिनट तक के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देना है। 30 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो लिप बाम है वो बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। इनफैक्ट मैंने जो है अपने लिप्स पे लगा भी लिया है, और आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस टाइप की होगी जो कि नॉर्मली लिप बाम होते हैं उसी टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी होगी। और इसको आपको जो है दिन में 2 से 3 बार आप आराम से लगाइए, आपके जो डार्क लिप्स की प्रॉब्लम है बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगी। और मेक श्योर आपको सोने से पहले इसको जरूर लगाना है, क्योंकि रात में कोई भी चीज़ लगाती है तो अच्छा इफेक्ट डालती है। और आप इसे नहाने के बाद अपने लिप्स पे अप्लाई कर लीजिए, और काफ़ी शाइनी सा है, मतलब बाजार के लिप बाम होते हैं उससे काफ़ी अच्छा है, और आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।